चीयर्स टू सी के प्रेम कहानी सीके की प्रेम कहानी जो संजू बाबा ने इस फिल्म का नाम दिया है तो जब इन्होंने कहा तो मैंने कहा कि इसमें गाने जो है अलका याग्निक जी और उदित नारायण जी का गाना नहीं हो तो फिर यह फिल्म अधूरी रह जाएगी और अलका जी श्रृंगार रस अलका अलका जी प्राकृतिक रस के गायिका हैं और इनकी आवाज़ में इतनी मधुरता है लता दीदी के बाद इनका जो आवाज़ है उसमें एक जादू है तो बहुत दिनों के बाद झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश के मिट्टी में एक सुगंध जाने वाली है यहाँ से सिक्के की प्रेम कहानी के माध्यम से जो अभी भाई सुरेश आनंद जी ने एक गाना सुनाया अलका जी का गाना आप सुनेंगे तो यह निश्चित रूप से एक मिसाल कायम करेगा और हिंदी जगत के बाद भोजपुरी जगत में एक अच्छा नाम होगा जो लोग धीरे धीरे भोजपुरी से मन भटका रहे थे जो महिलाएं थी जो अच्छी बहनें थी जो हमारे बुजुर्ग थे जो सारे लोग धीरे धीरे भोजपुरी से हट रहे थे वह तो निश्चित रूप से फिल्म के बाद भोजपुरी में अपना ध्यान लगाएंगे और भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अच्छा मसाला मिलेगा यहाँ से यही कहानी है इस सिक्के की प्रेम कहानी में सर और ये सर, फिल्म कभी तक ये शूटिंग चालू होगा और ये कब तक तैयारी शूटिंग इसका चालू है और बीच में अभी थोड़ा कोविड के कारण ब्रेक लगा था और जैसे ही हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग और इसका हम लोग जैसे ही इससे फ्री होते हैं और फिल्म फिर से इसका शूटिंग चालू हो जाएगा और ये फिल्म बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि दिसंबर तक तैयार होकर के पर्दे पे आ जाएगा दर्शकों के लिए क्या कहें दर्शक इसको इससे एक सीख लें एंजॉय करें इसमें प्रेम कहानी के साथ साथ थोड़ा और भी एक मैसेज है राष्ट्रभक्ति का भी इसमें संदेश है आप देखेंगे यह फिल्म काफ़ी अच्छा लगेगा और लोगों के लिए एक मैसेज है यह यहाँ कोई अश्लीलता नहीं है जो लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी अश्लीलता आ गई है तो यहाँ से एक चेंज होगा भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चेंज होने वाला है सिक्के की प्रेम कहानी से कि एक प्रेम कहानी के साथ साथ राष्ट्रहित में राष्ट्र भक्ति की जो इसमें मिसाल दिया गया है उससे युवा लोग युवतियाँ लोग इससे प्रेरणा लेंगे यह सिक्के की प्रेम कहानी बहुत ही अच्छा पिक्चर बनेगा बना है और ये आप इसको देखते देखते लगेगा कि नहीं और भी पिक्चर देखें पिक्चर ऐसा होना चाहिए आज मेरे लिए बहुत ही अपरम्पार खुशी की बात है कि मेरी फिल्म सीके की ठा सॉरी आज मेरे लिए बड़ा ही अपरम्पार खुशी की बात है कि मेरी आगामी फिल्म सीके की प्रेम कहानी के लिए आज हम सभी ए बी स्टूडियो में उपस्थित हैं और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे इस गाने को अलका याग्निक जी ने इतने अच्छे से गाया और इतने अच्छे शुरू में सजाया कि दिल बाग बाग हो गया मेरी पूर्ण कोशिश रहेगी कि इस गाने को बहुत ही ज़्यादा जितना मैं सोचा हूँ उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से फिल्माऊँ और आप सभी दर्शकों के बीच मैं इस गाने को पेश करूँ फिल्म सीके की प्रेम कहानी के हाँ और ये में... सीके फिल्म कि दूसरी दूसरा सॉन्ग आज जो रिकॉर्ड हुआ है अलका याग्निक जी की आवाज़ में ये रिकॉर्ड किया गया है कमाल के गाने बने हैं और मैंने अभी तो अलका जी गा के गई हैं सुन मोरे सजन कब हो मिलन अरे जी अरा तरस गई मैंने बातें ही ऐसी है कि गाना बनते ही लगा कि जैसे ये अलका जी की ही आवाज़ में सूट होगा म, तो उन्हीं के लिए बोला गया है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं राइटर हैं संजू बाबा जी और इस फिल्म के हीरो हैं सी के ठाकुर जी जो अपने ही झारखंड के माटी के लाल हैं और भोजपुरी जगत जगत को एक अच्छा एक्टर एक अच्छी फिल्म उनको देखने को मिलेगी एक सामाजिक फिल्म देखने को मिलेगी और उसी के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैंने अच्छे गाने भोजपुरी में अच्छे गाने भोजपुरी में तो आजकल देखते हैं कि पता नहीं हड़बड़ 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 कौन कौन से गाने बनाते हैं हम लोग बहुत खिलाफ़ हैं इसके कि लोगों ने अश्लील परोस पड़ोस के ऐसा बना दिया है भोजपुरी को दुनिया की नज़रों में ऐसा गिरा दिया है कि बोल नहीं सकते तो हमारे सी के ठाकुर जी हैं संजू बाबा हैं संजू बाबा लोगों ने हम लोगों ने एक बीड़ा भी उठाया है कि नहीं भोजपुरी श्रोता को भोजपुरी दर्शक को एक अच्छी फिल्म दे, एक अच्छा संगीत दे, ऐसी संगीत दे जिसे घर में बजाए माँ बहन बेटी सब उसको सुन के आनंदित हो और उसी सिलसिलेवार के मैं करते करते उदित जी के भी गाने कल रिकॉर्ड हुए आज अलका जी के हैं और भी अभी होने वाले हैं मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को तमाम दर्शकों को श्रोताओं को एक अच्छी म्यूज़िक अच्छा संगीत सुनने को मिलेगा और इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामना देते हैं सी के फिल्म को आ, अच्छा फिल्म